Good morning to all of you. Myself Vijay Kumar Kondal, Lecturer in Biology, Government Senior Secondary School Chambod, District Hamirpur, Himachal Pradesh. Welcome you all in this today's 10 plus 1 biology class. My dear friends, we are discussing taxonomy. Today we will discuss a very important concept of taxonomy. What is that? Let's see here. What first of all I will make to revise the what is taxonomy? As we have discussed in earlier class, in my first class, taxonomy is a word or term which consists of two words, Greek words. One is nomia, taxos or taxis or taxos, which means arrangement. And second one is nomos or nomia, which means methods or rules, rules or methods. And we have studied the branch of biology which deals with the study of identification, nomenclature and classification of organism. It is called taxonomy. Identification is done on the basis of characters. गुणों के आधार पे किसी चीज को पहचाना जाता है. उसके बाद हमने last class में nomenclature के बारे में जाना. How to give the names, the proper distinguished name to the organism. Then today we are going to study what is about the classification, how they are classified. Then I will tell you one more thing, my dear friends. Let's see here. Process of classification into different taxa is called taxonomy. Now there is a new word and this is taxa. Do you know what is taxa? Ye taxa kya hota hai bachcho? Yes, it is a very simple term, my dear friends. Aapne nahi padha hoga, I will tell you now. What is a taxa? Par usse pehle ki main aapko taxa batau, let's have a discussion about the classification. Ye classification hoti kya hai? Theek hai, identification to gunon ke aadhar pe cheezon ko pehchanna hai. Nomenclature jo hai, naming hai, namkaran karna hai kisi organism ka. And what is classification? क्लासिफिकेशन क्या होता है? लेट्स सी हियर. देखिए बच्चों, क्लासिफिकेशन कुछ नहीं है. मैं आपको ऐसे बताता हूं, मैंने लास्ट लेक्चर में बात किया था, आई हैव अ डिस्कशन विद यू दैट देयर आर 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज आर देयर ऑन दिस अर्थ, इस प्लेनेट पे, अर्थ प्लेनेट पे जहां पे जीवन संभव है, 1.5 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है. एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पीशीज. ये किसी से भी संभव नहीं है कि वो इतनी स्पीशीज को जान पाए, पढ़ पाए. तो कुछ ना कुछ तो ऐसा मेथड, कुछ ना कुछ ऐसा मेजर हमें तैयार करना था जिससे हम इन्हें पढ़ पाए. इसी मेजर का जो नाम है वो क्लासिफिकेशन है. मैं आपको ऐसे समझाता हूं, हम गुणों के आधार पे, जो ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स है उनके आधार पे हम चीजों को क्लासीफाई कर देते हैं. जैसे हम आप हैं, जैसे बच्चा जन्म लेता है, आपने फिल्म में देखा होगा, बच्चा जन्म लेता है और नर्स बाहर आती है और बोलती है कि मुबारक को, आपके यहां जो बेटी हुई है, बेटा हुआ है. ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर आइडेंटिफाइड एज द मेल एंड फीमेल चाइल्ड. उसके बाद नोमेनक्लेचर की बात चलती है, इसका नाम ऐसा होगा, इसका नाम वैसा होगा, विजय कुमार होगा, श्याम सिंह होगा, विजय कुमार होगा, जो भी है, व्हाट एवर इज दैट, तो डिसाइड किया जाता है. देन आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन चल पड़ती है. लोग देखने के लिए आते हैं बच्चे को, बोलते हैं कैसा है, मापे गया है. इट इज जस्ट लाइक मदर, इट इज जस्ट लाइक फादर. कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा गोरा है, थोड़ा काला है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, डार्क कॉम्प्लेक्शन है, छोटा होगा, लंबा होगा, कुछ इस तरह की बातें की जाती है. दिस इज द क्लासिफिकेशन, माय डियर फ्रेंड्स. ये क्लासिफिकेशन है जो गुणों के आधार पर की जाती है, कैरेक्टर्स के बेस पे की जाती है. क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कैटेगरीज. सी ऑन योर स्क्रीन. Classification is a process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. Let's take an example. मैं आपसे बात करता हूं अभी. बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म इस धरती पे हैं और इनको पढ़ना संभव नहीं है, जैसे मैंने बात की. पर अगर मैं आपसे बोलूं कि हाउ मेनी प्लांट्स डू यू नो, आप कितने प्लांट्स के बारे में जानते हैं? वेरी फ्यू. पर अगर मैं बात करता हूं, मैं जब पूछता हूं कितने प्लांट्स के बारे में आप जानते हैं, तो आप बोलेंगे सर बहुत कम. जब मैं आपसे पूछूंगा क्या आप प्लांट्स के बारे में जानते हैं, देन द आंसर इज यस. इट मींस कुछ एक प्लांट्स ने अपने कैरेक्टर्स में वो सारी बातों को आपको आइडेंटिफाई कर दिया कि प्लांट्स ऐसे होते हैं. ऐसे एनिमल्स की बात करता हूं, आप कितने एनिमल्स को जानते हैं? पर अगर मैं बात करूं, आप फिर बोलेंगे कि थोड़े. पर अगर मैं बात करूं कि आप एनिमल्स को जानते हैं, यस, द आंसर इज यस. इट मीन्स
some organism, some animal, some plants are there, which their characters have made and representation of the whole plant category, whole plant or whole animal category. These particular animals or groups like dog, cat, mango tree, apple tree, banana tree, all these are my dear friend are taxon. They are the taxon. कुछ नहीं है, इन्हें ही taxon कहा जाता है. Basically classification is a multi-step process. और उसमें भी क्या होता है, जैसे मैंने हायरार्की का बात किया था आपसे कि लोअर लेवल फिर अपर लेवल देन अपर लोअर विल फॉर्म अपर देन दीज अपर विल फॉर्म स्टिल अपर दीज स्टिल अपर द प्रोसेस इज गोइंग ऑन. ऐसा ही क्लासिफिकेशन में चलता है, एक हायरार्की होता है. हरेक लेवल पे जो क्लासिफिकेशन हो रहा है उसे टैक्सोन कहा जाता है या टैक्सा कहा जाता है या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहा जाता है. तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज अ स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज अ स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन. पहली बार टैक्सोन क्या है, क्लासिफिकेशन का एक स्टेप है, जो मल्टी लेवल प्रोसेस है क्लासिफिकेशन उसका एक स्टेप है. तो मैंने लिखा है एज क्लासिफिकेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस एंड इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी. ईच रैंक और कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन टर्म्स एज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. और उससे नीचे थर्ड पॉइंट को पहले देखिएगा, each category referred to as a unit of classification is in fact वास्तविक में वो it represent a rank and it is commonly known as the taxon or plural is taxa. okay, singular is taxon or plural is taxa. arrangement of these categories one above the another, it is in the sequence, it is known as the taxonomic hierarchy. let us see about the taxonomic hierarchy and the various taxa. let's have a and discussion with you. let's have a discussion. these are my dear friend the seven obligatory taxonomic category. maine yahan pe likha obligatory taxonomic category, aap dekhiye seven obligatory taxonomic categories. one is species, then genus or genera, then family or families, order or orders, class or classes, phylum or phyla, plural is phyla here, kingdom and kingdoms. aap arrow ko dekhiyega, maine likha hai aapke लेफ्ट हैंड में लिखा है इंक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी और दूसरा लिखा है एरो में डिक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी. मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, स्पीसीज इज द बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी टैक्सॉन. हर एक जो है वो अपने आप में ही टैक्सॉन है. देयर आर सेवन बेसिक जो हम हर बार क्लासिफिकेशन में डील करते हैं. ऑब्लिगेटरी वो है जिनके बिना क्लासिफिकेशन नहीं की जा सकती है. कुछ एक नॉन ऑब्लिगेटरी भी बताऊंगा जिनको हम छोड़ सकते हैं. पर ऑब्लिगेटरी आर सेवन, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, दीज आर सेवन. स्पीसीज में जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें सबसे ज्यादा गुण मिलेंगे, कैरेक्टर्स मिलेंगे, कॉमन कैरेक्टर्स होंगे एंड दे कैन इंटरवीड फ्रीली विद ईच अदर, आगे पढ़ेंगे हम. फिर जो कैरेक्टर्स हैं वो जीनस में थोड़े कम मिलेंगे, फैमिली में और कम मिलेंगे, क्लास में और कम मिलेंगे, फाइलम में बिल्कुल कम मिलेंगे और किंगडम में बहुत ही कम कैरेक्टर्स आपस में कॉमन होते हैं. पर वो ऐसे कैरेक्टर्स हैं किंगडम में भी जो दूसरे किंगडम से उनको डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है, विन करता है. सो दीज आर द सेवन कैटेगरीज, यू मस्ट रिमेंबर दीज. एक बार मेरे साथ बोलेंगे आप, दीज सेवन आर यस स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. दिस इज द सीक्वेंस, यू मस्ट रिमेंबर द सीक्वेंस. ऐसा नहीं है कि आप किसी को पहले बोले किसी को बाद में बोले, देन इट इज रॉन्ग माय डियर फ्रेंड्स. These are the obligate taxonomic category. We will discuss one by one. But before that, have a look on the other non-obligatory taxonomic category along with the obligatory taxonomic category. Obligatory and non-obligatory का chart मैं आपके सामने दे रहा हूँ. So see in the base there is a race. On the base there is a race. Race will form variety. It will form subspecies. Then subspecies मिलके species बनाएंगे. फिर subgenus. फिर जीनस. बोलने का मतलब क्या है कि रेस में बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स कॉमन है, वैरायटी में उससे थोड़ा कम, सब स्पीसीज में उससे कम, स्पीसीज में फिर सब जीनस में थोड़ा कम. ऐसे कई एक जीनस में कई सब जीनस हो सकते हैं, एक स्पीसीज में कई सब वैरायटीज और सब स्पीसीज और वैरायटीज और रेस हो सकती है. आप इस बात को ध्यान रखें. सो रेस देन वैरायटी देन स्पीसीज देन स्पीसीज, सब स्पीसीज देन स्पीसीज, रेस, वैरायटी, सब स्पीसीज, स्पीसीज, देन सब जीनस, जीनस, then types of family, family, then super family, super family, suborder, then order, then super order, subclass, then class, super class,
सब फाइलम और सब डिवीजन, देन फाइलम और डिवीजन। याद रखें आप, मैं आगे बताऊंगा, फाइलम इज यूज्ड इन जूलॉजी इन केस ऑफ एनिमल्स, व्हाइल द डिवीजन इज यूज्ड टर्म इज यूज्ड इन ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इन द प्लांट किंगडम, देन सब किंगडम एंड किंगडम। दीज आर द ऑब्लिगेटरी एंड नॉन ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज इन फ्रंट ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस सी हियर वन बाय वन। स्पीसीज, दिस टर्म इज गिवन बाय जॉनरे, याद रखिएगा नीट में पूछा जाता है बार बार, टर्म भी याद कर लीजिए, मैं लिखा सब में। क्या होती है ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं, जिनमें बहुत ज्यादा सी बेसिक सिमिलरिटीज होती हैं, एंड वन मोर, दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली विद ईच अदर। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एंड विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लास्ट क्लास में बोला था मैंगी वेरेंडिका, इन मैंगी वेरेंडिका मैंगो, इंडिका इज द स्पीसीज, इंसोलेनम ट्यूबरोसम, इंसोलेनम ट्यूबरोसम, याद रखिए, वन थिंग टू रिमेंबर, डरिएगा नहीं, बहुत इजी है। जब मेरे टीचर ने मेरे सामने ऐसे नाम बोले थे, मुझे भी लगा था ही इज गॉड, कैसे रिमेंबर किया है उन्होंने। पर बच्चों, आप इसकी एक लिस्ट बनाइए अपनी कॉपी में, जो जो नाम आपके सामने आएंगे, मेक अ लिस्ट ऑफ एवरी नेम, और अपनी मम्मी से, अपने ब्रदर से, अपने सिस्टर से, अपने फादर से, अपने रिलेशन में बात कीजिए। आलू नहीं बोलना है अब आपने, पोटैटो नहीं बोलना है आपने, यू शुड से सोलेनम ट्यूबरोसम, मुझे सोलेनम ट्यूबरोसम खाना है, लेट्स हैव अ ट्राई, क्यों नहीं आप कर सकते हैं बच्चों। देन आपने मैंगो खाना है तो आप बोले मैंगी वेरेंडी का लाइए, ये आपके लिए प्रैक्टिस का मैटर है, आपको चीजें इजी हो जाएंगी। इन सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो, ट्यूबरोसम इज द स्पीसीज, एंड स्पीसीज इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच इज द बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, दिस इज टू रिमेंबर, एंड द टर्म इज गिवन बाय जॉनरे, वेरी इंपॉर्टेंट। देन सी द जीनस, टर्म अगेन गिवन बाय द जॉनरे, मैं बता दूं स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली, दिस थ्री टर्म्स आर गिवन बाय द जॉनरे। क्या होता है जीनस? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विद कॉमन कैरेक्टर, ऐसी स्पीसीज जिनके कॉमन कैरेक्टर्स हैं, उनका जो ग्रुप है वो बच्चों क्या बन जाएगा? जीनस बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन मैंगी वेरेंडिका, दैट इज मैंगो, इट इज द मैंगी फेरा इज द जीनस, मैंने मैंगो लिख दिया है, इट इज मैंगी फेरा इज द जीनस माय डियर फ्रेंड्स। आप इसको कर लें, मैं यहां पे लिख देता हूं, मैंगी फेरा इंडिका माय डियर फ्रेंड्स। इसमें जो मैंगी फेरा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, वो गलती से वहां पे टाइप हुआ है, इट इज जीनस इज मैंगी फेरा, आप इसको प्लीज ठीक कर लें। देन सी इन पैंथ्रा लियो लाइन, पैंथ्रा इज द जीनस, लाइन के बारे में आपने सुना होगा, क्या उनका जूलॉजिकल नेम है? पैंथ्रा लियो। सी फैमिली, इट इज टर्म बाय द जॉनरे, ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जेनर विच आर द कॉमन कैरेक्टर्स, पर कैरेक्टर्स स्पीसीज और जीनस से कम होंगे, दे हैव स्टिल लेस नंबर ऑफ द सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जेनर एंड द स्पीसीज। जैसे मैं एक फैमिली बताता हूं, फैमिली सेलिडे, और इसके अंदर कौन कौन सा जीनस आता है? पैंथ्रा इसमें आएगा और फैलिस भी इसमें आएगा। पैंथ्रा में पैंथ्रा लियो लाइन है, पैंथ्रा टाइग्रस टाइगर है, तो लाइन टाइगर लेपर्ड ये सारे जो हैं वो पैंथ्रा जीनस में आते हैं, और फेलिस कैट में आती है, बोलते हैं शेर की मौसी होती है कैट, है ना, बिल्ली, बिल्ली मौसी बोलते हैं, तो शेर की मौसी है बोलते हैं, और इस तरह के प्रचलन है, बातों का ऐसा होता नहीं है, पर फेलिस और पैंथ्रा दोनों ही जीनस से फैमिली में आएंगे, वो फेलाइडे है। सोलेनेसी जो मैं फैमिली बोल रहा हूं, उसमें दो जीनस, तीन जीनस है, सोलेनम ट्यूनिया एंड दटूरा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे पता लगाएंगे कि ये फैमिली का नाम है, कि क्लास का नाम है, कि ऑर्डर का नाम है? देयर इज अ सफिक्स, बेटा इन केस ऑफ प्लांट्स द सफिक्स इज एसी, नाम के बाद एसी लगा होगा, आप देखें सोलेनेसी। इन केस ऑफ एनिमल इट इज एडे, फेलाइडे, इट इज फेलाइडे, आप देखिए फैमिली का नाम, तो हेयर इट इज सफिक्स इज एडे एंड इन प्लांट्स इट इज एसी। माय डियर फ्रेंड, नाउ द ऑर्डर इज देयर, लेट्स सी द ऑर्डर इज देयर, द टर्म इज गिवन बाय लिनेज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज विच आर द कॉमन कैरेक्टर्स। सिंपली हमारे पास एक ऑर्डर में कई फैमिलीज होंगी, लाइक द ऑर्डर इज देयर पॉलिमोनियल्स, पॉलिमोनियल्स इट इंक्लूड द फैमिली सोलेनेसी एंड कॉनवोलेसी, कॉनवोलवुलेसी, सोलेनेसी और कॉनवोलवुलेसी फैमिली को इसमें रखा गया पॉलिमोनियल्स में, डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर्स। यहां पे भी फिक्स होता है बेटा, प्लांट्स में फिक्स है, प्लांट्स में कभी ऑर्डर का नाम होगा तो वहां पे ए लगा होगा, ए इज देयर, जैसे पॉलिमिनियल्स, पॉलिमिनियल्स, बट इन एनिमल्स द वेरियस फिक्सेस आर देयर, लाइक कार्निबोरा है ना, सिटेसी एसी है, प्राइमेटा एटा है ना, आरटीओ डेक्टिला एक्टिला है,
लेग मोर्फा, तो ये अलग अलग से जो मेमिलिया क्लास के जो ऑर्डर्स हैं एनिमल में फिक्स नहीं है स्फिक्स, जबकि प्लांट्स में स्फिक्स होता है, इट इज एल्स के बारे पूछा जाता है नीट में, आप याद रखें। द नेक्स्ट इज क्लास, द टर्म इज गिवन बाय लिनस, इट इज द मेजर कैटेगरी मेड अप वन और मेड अप ऑफ वन और मोर ऑर्डर, इसमें ऑर्डर्स आएंगे बेटा एक एक से ज्यादा जिनमें कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, तो मेजर कैटेगरी मेड ऑफ वन और मोर ऑर्डर्स विद सर्टेन सिमिलर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल क्लास मेमेलिया, इट हैव ऑर्डर प्राइमेट एंड कार्निवोरा, जो भी मैं बता रहा था आपसे, इसमें भी स्फिक्स होता है। इन प्लांट्स इट इज फाइसी और ओसिडा और ए, बट इन एनिमल्स इट इज नॉट फिक्स, क्लासेस हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स, मेमेलिया, कोई फिक्स नहीं है इसमें, पर क्लास जो है वो मेजर कैटेगरी थी, आप इस बात को याद रखें। टर्म इज गिवन बाय द लिनस माय डियर फ्रेंड्स। देन सी हियर, इट इज फाइलम, इट इज फाइलम इन जूलॉजी, टर्म इज गिवन बाय क्यूबियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डिविजन इज यूज इन बॉटनी, टर्म इज गिवन बाय एक्ला, इट इज अ ग्रुप ऑफ द रिलेटेड क्लासेस, ऐसी क्लासेस जिनमें कैरेक्टर्स कॉमन होंगे वे एक फाइलम में एनिमल के केस में और एक डिवीजन में प्लांट्स के केस में रखी जाती है। वी हैव द फाइलम कॉर्डेटा, वी हैव द फाइलम कॉर्डेटा, एंड इट हैव क्लासेस पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मेमेलिया, इनमें कुछ ही कैरेक्टर कॉमन होते हैं। मैंने बोला कि जैसे जैसे हम स्पीसीज से ऊपर की तरफ आएंगे हायरार्की में, वैसे वैसे स्पेसिफिसिटी कम होती चलेगी, कैरेक्टर्स कम मिलेंगे। स्फिक्स इज देयर इन प्लांट्स, द डिवीजन हैव द फाइटा, एनिमल्स में द्वारा से फिक्स नहीं होता है, आपने स्फिक्स को जरूर याद रखना है। माय डियर फ्रेंड, देन देयर इज अ किंगडम, द हाईएस्ट कैटेगरी इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, द टर्म इज गिवन बाय लिनस और आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ग्रुप ऑफ ऑल रिलेटेड फाइला और डिवीजन, सारे के सारे जितनी फाइलम इन केस ऑफ एनिमल और डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स हैं, वे फाइलम इन केस ऑफ एनिमल किंगडम एनिमिलिया बनाएंगे, ऐसे ही डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स दे विल मेक द किंगडम प्लांटे, ऐसे किंगडम फंजाई मोनरा आप पढ़ेंगे बेटा। देयर इज अ फाइव किंगडम, इट इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर In 1969, he proposed a five-kingdom system classification. According to him, there are five kingdoms. One is Kingdom Monera. All prokaryotic organisms are there. पढ़ेंगे हम एक एक करके अगले चैप्टर में। Kingdom Protista, Eukaryote and unicellular organism are placed in that. Kingdom Fungi, Eukaryotic multicellular organism with saprophytic mode of nutrition. आप next class में detail में पढ़ेंगे। Kingdom Plantae, Eukaryotes. मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म विद ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्वपोषी खुद खाना बनाते हैं प्लांट्स। किंगडम एनिमिलिया, यूकैरियोट, मल्टीसेलर, होलोजेनिक न्यूट्रिशन इज देयर, इट इज मल्टीसेलुलर, म्यूलीसेलर नहीं, इट इज म्यूलीसेलर नहीं है, इट इज मल्टीसेलर माय डियर फ्रेंड्स। ओके, इसको आप कर ले मल्टीसेलर है वो। देन दिस इज द किंगडम, तो किंगडम इज द हाइएस्ट कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, वी द ह्यूमन, आपकी क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, देखिए क्या है। तो इसको उल्टा लिखा है मैंने, किंगडम इज एनिमिलिया, याद रह जाएगा, फाइलम कॉर्डेटा है, क्लास मेमिलिया मैमल्स है, ऑर्डर प्राइमेटा है, प्राइमेट्स हैं हम, फैमिली होमिनोइड्स, होमिनिड्स हैं हम, होमिनोइड है, जीनस इज होमो एंड स्पीसीज इज सेपियंस, होमो सेपियंस इज आवर नेम। व्हाट इज द नेम ऑफ ह्यूमन बींग्स बेटा, इट इज होमो, यस, अंडरलाइन सेपरेटली, मैंने आपको पहले भी रूल बताए हैं, सेपियंस दे आर रिटन सेपरेटली एंड अंडरलाइन सेपरेटली, देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क बिटवीन द टू माय डियर फ्रेंड्स। सी नाउ ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, देयर इज अ चार्ट, आप इस चार्ट को अपने पास नोट डाउन कीजिएगा, और देयर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो एंड वीट, टू एनिमल्स आर देयर, टू प्लांट्स आर देयर, बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैन इज होमो सेपियंस, इट इज हाउसफ्लाइज मका डोमेस्टिका, मैंगिफेरा इंडिका फॉर मैंगो, टिटिकम एस्टिबम फॉर वीट, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, स्पीसीज तो आपको पता लग जाएगा, सेपियंस, डोमेस्टिका, इंडिका एंड एस्टिबम है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम इज देयर। तो आप इस क्लासिफिकेशन को नोट डाउन कीजिएगा अपनी नोटबुक पे, और जो असाइनमेंट आपको दीजिए है उसमें आप इसके आंसर कीजिएगा। This is very important. This is our the taxon, my dear friends.
ये टैक्सॉन के बारे में आपके साथ एक चर्चा थी, क्लासिफिकेशन के बारे में आपके साथ चर्चा थी। तो दिस इज द टैक्सोनॉमी, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स। तो हमें गुणों का पता होगा, हमें कैरेक्टर्स का पता होगा, हम यही पढ़ने जा रहे हैं इस ब्रांच में, इस साइंस में, कि कौन कौन से कैरेक्टर किस ऑर्गेनिज्म में होते हैं। एंड उम्मीद है कि आपको पता लग रहा होगा। तब तक आप खूब मेहनत कीजिए और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द फर्दर क्लासेस एंड मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, थैंक यू।